ऐसी तो वो है मीर मई सास, नंदोई भी ऐसे हैं कि सुबह से रात तक यहीं रहते हैं, बस घर सोने जाते हैं। मैं तो कहती हूँ सुबह की चाय भी फिर 7 बजे की यहीं आके पी लिया करो, वो भी घर से क्यों पी के आते हो, 10 बजे आ जाते हैं। क्या नाश्ता लगेगा, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, सब मेरे हैं। वो है सिर्फ कि ये करेगी, ये तो अपना बैठी हाँ हाँ हूँ करती रहती है। कोई नहीं आता, बस अम्मी एक कानपुर वाली से सुकून है कि वो कानपुर में है, बस अम्मी यकीन मानो सुबह से शाम तक काम ही काम है मेरी जान को। अब ये 4 दिन ईद के ऐसे गुजरेंगे मेरे, रोटी भी अम्मी इत्यादि हूँ कि मैं ही डाल लेंगे। वही तो, रोटी भी कोई बाहर की नहीं खा रहा है कि वो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमसे बाजार की रोटी कटती नहीं, वो रबर हो जाती है, वो ये हो जाती है, वो हो जाती है। अब हम मैं रोटी डाल रही हूँ अम्मी, ऐसे हमारे बगल में थी, उनको ये था कि पैसे दे दो आटा दे दो रोटी डाल के दे देती थी तवे की, उनकी भी आजकल तबीयत सही नहीं है, तो मैं ही डाल रही हूँ अम्मी, और सबको गर्म रोटी चाहिए। आऊंगी अम्मी मैं फिर, ये लोग चले जाएंगे तो सुकून से आके रहूंगी। अच्छा मैं इन सास कह दी इनको ईदी दो, मैंने कहा हुई ये कौन सी ईद है ईद देने वाली, ये सिर्फ उसकी ईदी रहती है गोश्त की, वो ही दे दो बस। तो मुझे घूर रही थी, मैंने कहा घूरती रहो, मैं कहा तक तुम्हारा मुंह देखती रहो, एक तो तुमने मेरी जान को वैसे इतने मेहमान लगा दिए। अरे भाभी भाभी चलो ना, कितनी देर कर रही हो, बाजार नहीं चलोगी क्या? तुम देख रही हो मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा अम्मी अभी मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ, अम्मी 2 मिनट में कर रही हूँ। अपनी अम्मी से बात कर रही हो तो कोई नई चीज कर रही हो क्या, हर मिनट पे फोन करती हो, हर मिनट पे बात करती हो? मैं नहीं जा सकती हूँ बाजार बाजार तुम्हारे साथ। हाँ मैं नहीं जाऊंगी बाजार, इतना काम है मेरी जान को, अभी सिवाई पकानी है, शीर पकानी है और यखनी पुलाव चढ़ाना है, मैं कैसे चली आऊंगी तुम्हारे साथ बाजार? ठीक है अगर तुम्हें बहुत काम है तो मैं भाई के साथ चली जाती हूँ, भाई मुझे सब सामान भी दिला देंगे और बाइक से ले जाएंगे, बाइक से ले आएंगे, रिक्शा का भी पैसा बच जाएगा मेरा। ओके अगर तुम मेरे साथ बाजार जाती हो, मेरे काम से तो कहती हो ना रिक्शा के पैसे दो, तुम्हारी वजह से आए हैं तो इसलिए मेरे वो पैसे भी बच जाएंगे, मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। नहीं नहीं भाई के साथ कोई तुक नहीं है जाने की, मैं लेके चल रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से बात कर लूँ, मैं आ रही हूँ। अब जल्दी चलो, मैं मेहंदी भी लगवानी है, चूड़ी भी लेनी है, बहुत सामान लेना है, चलो। मैंने मेहंदी लगवाई नहीं है, तुम्हें मेहंदी लगवानी है, लेकिन चलो जाओ, चलो मैं आ रही हूँ, चलती हूँ तुम्हारे साथ बाजार। जाओ और अपना काम जल्दी करना, हम बाजार में देने नहीं जा रहे हैं। वो मुझे भी पता है कि हम वहाँ देने नहीं जा रहे हैं, तो तुम जल्दी से अपनी अम्मी से बात करके चलो ना, देर हो रही है, 5 बज रहा है, फिर किस टाइम जाओगी किस टाइम आओगी? तो जाना पड़ रहा है मुझे, इतना काम है, तुम फली नहीं फोड़ती हो, आके मेरी मदद करवाना वरना मैं नहीं जाऊंगी, अभी तय कर लो। जल्दी चलो फिर, जल्दी आ भी जाएंगे, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगी आज, प्याज व्याज जो कहोगी काट दूंगी, अब जल्दी चलो। हाँ ठीक है चलो मैं आ रही हूँ अपनी अम्मी से, 2 मिनट बात करके आ रही हूँ, जब तक तुम परस वरस अपना ले लो और अपनी पैसे भी ले लो, जाओ अम्मी से पैसे भी ले लो थोड़े से, और कम पड़ जाएंगे ना बाजार में। जाओ ईदी है तो मेरी 420 रुपये और आज भी 70 रुपये मिले अम्मी से और लेके। चलो अच्छा मैं अम्मी से और लेके आ रही हूँ, तुम बस तैयार हो जाओ, मैं बात कर लो जल्दी से, मैं आ रही हूँ अम्मी से पैसे लेके, ठीक जल्दी कर लो। हाँ अम्मी मैं जा रही हूँ उसके साथ बाजार। अरे अम्मी कह रही थी कि वो चली जाऊंगी भाई के साथ और वहाँ जाके दीवाना बना लेगी उनको, और वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो ये जो कहेंगे, वो जो ये कहेगी वो सब दिला देंगे, पैसों पैसे जब ये कहेगी मुझसे ले लो तो कहेंगे ना तुम छोटी हो पैसे मत दो, मैं इसे कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ मैं ही लेके जाऊंगी अम्मी इसको, अरे मेहंदी लगवाएगी और थोड़ा बहुत चूड़ी वूड़ी लेगी अपने लिए। हाँ अरे इसके भूत नखरे हैं, मैं ही झेलती हूँ इसको, इसके भूत नखरे हैं, इसकी अम्मी तो इसका कोई ख्याल करती नहीं है ऐसा, ये तो तुम्हें बता रही थी मैं, ये कह रही थी इतने दिन से ये बहुत नाटक करती है, मेरी प्लेट में तो बोटी नहीं आई, मेरी प्लेट में तो बोटी नहीं आई, और अब जब से अम्मी मैं बना रही हूँ तो ये नाटक नया इसने निकाला है, दाल सब्जी बनाओ मेरा दिल भर गया है। हमारे घर में अम्मी यही होता है कि मेरी प्लेट में बोटी नहीं आई तो मेरी प्लेट में बोटी नहीं आई, अब ये है जब मैं बना रही हूँ, हर वक्त का ये नाटक था पहले कि वो स्टू बना लेती, आलू गोश्त बना लेती, कीमा बना लेती, अब मैं यही सब बना रही हूँ तो हमारा दिल भर गया, दाल सब्जी बनाओ, सबके यही नखरे हैं और इसके तो बहुत ज्यादा है। खिचड़ा अम्मी इन्होंने बोला तो है मुझसे, मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, कोई खिचड़ा का टाइम है? खुद की बेटी हूँ तो अम्मी कहती है अरे यहाँ बैठी रहो पंखे में, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, और मुझसे कहती है अरे चली जाओ जाओ जरा से बर्तन धो लो, आई जरा सी चाय बना लो, आई दुल्हन आई बेटी कर करके सारे काम ले लेती है, नन्नी जान रही है मुझे, सोचती है कि इसको तो कोई समझ है नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब समझ में आता है ये क्या कर रही है, ये बेटी और दुल्हन के मुझसे सब काम करवा लेती है, मैं भी कहती हूँ अम्मी
मिल जाए। हाँ अरे मैं कहती अम्मी क्या है, माँ से मैं का होता है, आ जाती है तो अच्छा ही तो लगता है, बकान तो पड़ जाता है अम्मी, लेकिन फिर भी अच्छा तो लगता है, इतने लोग रहते हैं माशाल्लाह, लोगों की रौनक रहती है। बस ये अम्मी मेरे कमरे में आके ये सब होते है, अरे तुम्हारी चादर बहुत अच्छी लग रही है, ये तुम्हारा ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये शीशा बदलवा लिया, ये दीवारों पे जो वो लगवाया ये बहुत अच्छा लग रहा है, वॉलपेपर में लगवाया था ना मैंने, वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, और जाके फौरन अम्मी को बता देती हूँ ये इतने का आया वो इतने का आया, ऐसी है बिलाइटन है। अरे भाभी बीज बह के जाए तो उनको भेज देना, जब मैं आने वाली हूँ तो बुला लेना। चलो ठीक है, अच्छा मैं रख रही हूँ। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।